सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रेनिंग ड्रिल बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद ना आप लोगों का क्लोज रेंज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा बीच में। ये सारी ड्रिल्स आपका एम ट्रैकिंग, क्रॉस एयर कंट्रोल और क्रॉस एयर प्लेसमेंट इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। और इन सारे ड्रिल्स को करने के बाद ना आपका क्लोज रेंज में एम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ड्रिल से, जो कि आपका ना क्रॉस एयर कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। आप लोगों को भाई सिंपल एक काम करना है, ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ पे आना है और गाइस जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, आपको सेम टू सेम करना है। ट्रेनिंग ग्राउंड को भाई आप लोग 10 पे कर देना। जो टारगेट है ना आपका, आपको भाई 20 मीटर पे सेट करना है। टारगेट की हेल्थ 300 कर देना और भाई मूवमेंट स्पीड बिल्कुल भी नहीं रखनी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 0 रखनी है। अब गाइस जैसे आप स्टार्ट करोगे ना, आपको सामने टारगेट दिखेंगे। अब इन टारगेट पे ना आपको खड़े खड़े फायर करना है भाई, आपको शुरू में मूवमेंट नहीं करनी है। इस ड्रिल से ना आप लोग भाई क्रॉस एयर को कंट्रोल करना सीखोगे और आप लोगों को फोकस करना है हेडशॉट मारने के लिए। अब गाइस शुरू में आप लोग ना M4 यूज़ कर सकते हो और गाइस जैसे आप लोगों को ना M4 से भाई इजी लगने लगे, आप लोग भाई M762 यूज़ करना। और M762 जैसी गन्स को ना कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड है, लेकिन गाइस ये जो ट्रेनिंग ड्रिल है ना, इसको करने के बाद ना आप लोग भाई सारी गन को ईजिली कंट्रोल कर पाओगे। अब इस ट्रेनिंग का ना सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भाई कभी कभार ऐसा होता है कि क्लोज रेंज की फाइट में ना डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और आप लोग ना वहाँ पे स्कोप नहीं खोलते हो, तब गाइज ये वाली जो ट्रेनिंग ड्रिल है ना, ये भाई काम में आएगी। आपकी जो बुलेट्स है ना वो एनिमी पे भाई इजीली कनेक्ट हो पाएंगी और भाई आप लोग ना लॉन्ग रेंज में भी क्रॉस एयर को कंट्रोल कर पाओगे। जैसे ही गाइज आप लोगों को ना फर्स्ट ड्रिल भाई इजी लगने लगे, आप लोगों को भाई सेकंड ड्रिल करनी है। इसमें आप लोगों को भाई ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, भाई सेम टू सेम आपको सेटिंग्स रखनी है। बस इस बार ना आपको जिगल देना है और जिगल देते हुए गाइज एम करना है, जिससे आपको जो एक्यूरेसी है ना वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और गाइज जिगल ना आपको भाई ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट देना है, ना भाई बहुत ज़्यादा स्लो देना है, बिल्कुल मीडियम स्पीड रखनी है जिगल की, तभी गाइज आप लोग ना अच्छे से फाइट ले पाओगे क्लोज रेंज में। और हाँ गाइज, मैं ना एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ जिसमें गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ना आप लोग भाई जिगल करते हुए एनिमी को काफ़ी इजिली मार सकते हो और जिगल करते हुए ना आप लोग भाई किस तरीके से अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। सो गाइज उस वीडियो पे भी मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद भाई मैं वही वाली वीडियो डालूंगा। तो उस चीज़ के लिए भाई एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, सपोर्ट दिखा देना अपना, ताकि गाइज जल्द से जल्द ना वो वीडियो में डाल सकूँ। सो गाइज चलते हैं अब हम अगली ड्रिल की तरफ। इस ड्रिल का नाम है डैमेज दो अंदर आओ। आप लोगों को ना इस वाले एरिया में आ जाना है जहाँ पे भाई मैं हूँ, और यहाँ पे ट्रेनिंग में जाके आपको डिफिकल्टी लेवल 2 सेलेक्ट करना है। इसके बाद गाइज देखो सामने ना आप लोगों को बॉर्ड्स दिखेंगे और उन बॉर्ड्स को ना कुछ इस तरीके से मारना है। आप लोगों को कवर से हल्का सा बाहर आना है, फिर क्राउच करना है, फिर गाइस पीक करना है, शूट करना है, कवर में वापस आना है, ठीक है। तेज करोगे ऐसा होगा, ये देखो ऐसे। लेकिन गाइस ये ना वही बंदे कर पाएंगे जिनके पास भाई अच्छा डिवाइस है, ठीक है। मेरे पास तो भाई ये 15,000 का डिवाइस है, इसमें इतनी तेज मूवमेंट मैं कर ही नहीं सकता, मेरी जॉयस्टिक भाई छूट जाती है। सो गाइस उस सिचुएशन में आप लोग ना सिंपल एक दूसरी ट्रिक यूज कर सकते हो। जिनके पास अच्छा डिवाइस नहीं है ना, वो भाई ये वाला चीज करो भाई, कवर से हल्का सा बाहर आओ फिर अंदर चले जाओ शूट करते ही, इस तरीके से, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। सो गाइज हमारी जो नेक्स्ट ड्रिल होने वाली है वो होने वाली है एम ट्रैकिंग के लिए। अब गाइज जो हमने पीछे सेटिंग की थी ना, आप लोगों को सेम सेटिंग करनी है, बस इस बार ना आपको ना मूवमेंट स्पीड भाई बिल्कुल मैक्स कर देनी है और उसके बाद ना इसको स्टार्ट कर देना है। अगेन गाइज आप लोगों को M4 और M7 यूज करनी है। सामने ना गाइज आपको ना बोर्ड दिखेंगे जो कि गाइज जिगल कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। आप लोगों को बस सेंटर में खड़े होके ना बस स्प्रे देना है खड़े खड़े, और फोकस करना है कि आप ना हेडशॉट के ले जाओ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं हेडशॉट पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू में करोगे भाई ये ड्रिल ना, तो भाई थोड़ी सी आपको हार्ड लग सकती है, हेडशॉट भाई शुरू में नहीं लगेंगे, लेकिन गाइस जैसे ही आप लोग भाई थोड़ा सा टाइम दोगे इस ड्रिल में, आप लोग भाई परफेक्ट होने वाले हो। और परफेक्ट होने के बाद आप लोगों को यूज़ करनी है M762, सेम चीज़ भाई, खड़े खड़े आपको स्प्रे देना है M762 का। और गाइस ये वाली ड्रिल करने के बाद ना आपको इसके नेक्स्ट लेवल पर जाना है। इस बार गाइस आप लोगों को ना जिगल देते हुए एम ट्रैकिंग करनी है, जैसे गाइस यहाँ पर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और गाइस शुरू में ना आपके एम भाई काफ़ी ज़्यादा मिस होंगे, तो भाई उसकी चिंता आप लोग मत करो। आपको सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि ये जो क्रॉस एयर है ना आपका, ये भाई टारगेट पे रहे, ठीक है। उस पर बुलेट कनेक्ट हो रही है नहीं हो रही, उसकी टेंशन छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे ना गाइज आप लोगों का एम असिस्ट काम नहीं कर रहा। जैसे आप भाई क्लासिक मैच खेलोगे ना, बंदे पे भाई एम असिस्ट काम करना लग जाता है। यहाँ पे गाइज ट्रेनिंग करते हुए ना भले ही गाइज आप लोगों का जो एम है ना वो भाई कम कनेक्ट हो रहा हो, बुलेट्स यहाँ पे देखो भाई मेरी भी कम कनेक्ट हो रही है, लेकिन जैसे आप लोग भाई क्लासिक में जाओगे ना और बंदों पे गोली चलाओगे, तब आप लोगों को भाई अहमियत समझ में आएगी इस वाली ड्रिल की। अब जिन बंदों की ना क्रॉस एयर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है भाई, वो वाले बंदे ना ये वाली ड्रिल कर लो, आपकी जो क्रॉस एयर प्लेसमेंट है अच्छी हो जाएगी। सिंपली गाइस आप लोगों को इस वाली जगह पे आ जाने ट्रेनिंग ग्राउंड के, और यहाँ पे ना आपको अलग अलग भाई बोर्ड्स दिखेंगे मूव करते हुए। आप लोगों को भाई सिंपल ना ब्रश देना है 2-3 बुलेट्स का, और भाई यहाँ पे ना बुलेट कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, देखो इस तरीके से। यहाँ पे भाई अपना एम ट्रांसफर लगातार करते रहो, जिससे गाइज आप लोगों को जो क्रॉस एयर प्लेसमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सो गाइज यही था आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है ना भाई थोड़ी सी भी, तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना अपना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।